नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम एच पी डिस्कस करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सभी परीक्षाओं में एच पी पूछा ही जाता है तो ये क्लास एच पी टैट एग्जाम एच पी बी एड एंट्रांस एग्जाम ऑलमोस्ट हिमाचल प्रदेश की सभी परीक्षाओं में एच पी पूछा ही जाता है तो ये क्लास हिमाचल प्रदेश की सभी अपकमिंग परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से चंबा रियास की स्थापना किसने की तो चंबा रियासत की स्थापना के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा यानी मारू वर्मन ने और पाँच सौ पचास ईस्वी पूर्व में की थी वीरसेन तो बीरसेन ने सुकेत राज्य की स्थापना की थी सत सौ पैंठ ईस्वी पूर्व में अजय चंद अजय चंद ने जैसे नालागढ़ रियासत की स्थापना की थी ग्यारह सौ ईस्वी पूर्व में अबोज देव इन्होंने कुनिहार रियास की स्थापना की थी ग्यारह सौ चुंजाईवी पूर्व में क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिब्बा राज्य की स्थापना किसने की तो सिब्बा राज्य की स्थापना की थी शिवराम चंद ने हरिचंद ने जैसे गुलेर राज्य की स्थापना की थी सूरचंद तो सूरचंद ने जैसे कुठहर रियास की स्थापना की थी अजय देव इन्होंने बागल रियास की स्थापना की थी क्वेश्चन नंबर थ्री किन्नौर का प्राचीन नाम क्या है तो हंडूर है चीनी बनेड किरग्राम तो इसका आंसर होगा यानी चीनी और कांगड़ा का प्राचीन नाम किरग्राम है मंडी का बनेड है सोलन का हंडूर है क्वेश्चन नंबर फोर रंग महल इमारत का निर्माणकर्ता कौन है विजय चंद कल्याणचंद जगत सिंह करम प्रकाश तो इसका सही आंसर होगा यानी विजयचंद और आपसे पूछे कि रंग महल कहाँ पर हैं तो वो है बिलासपुर में आइए बात करते हैं जगत सिंह की तो इन्होंने तारागढ़ किला बनवाया था जो कि चंबा जिले में है और करम प्रकाश तो इन्होंने नहान दुर्ग किला बनवाया था जो कि सिरमौर में है कल्याणचंद तो इन्होंने जैसे अंडूर का किला बनवाया था नालागढ़ सोलन में क्वेश्चन नंबर फाइव जब गुरु गोविंद सिंह मंडी रियासत आए तो वहाँ का राजा कौन था तो इसका आंसर होगा यानी फाइव का सेन क्वेश्चन नंबर सिक्स जब गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी तो गुरु गोविंद सिंह ने यात्रा की थी मेदिनी प्रकाश के काल में तो इसका आंसर होगा ए क्वेश्चन नंबर सेवन चंद्रनाल झील किस जिले में है शिमला मंडी कुल्लू चंबा तो इसका आंसर होगा यानी शिमला शिमला में कुछ और भी झीले हैं जैसे कराली झील तानू जुब्बल झील गुड़कुफर झील ये सभी झीलें शिमला जिले में है। मन्दी, मन्दी जील, 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 हैं मंडी मंडी में जैसे कालासर झील सुखसर झील कमरूनाग झील पराशर झील रिवासर झील पंडोह झील ये सभी झीलें मंडी ज़िले में हैं और मंडी में एक और झील है कुंत पियोग झील वो भी मंडी ज़िले में है। आइए बात करते हैं कुल्लू की तो कुल्लू में जैसे बरीगू झील श्रिंगटू झील मंतलाई झील सरवासर झील वरदोसर झील दशहर झील ये सभी झीलें कुल्लू ज़िले में हैं आइए बात करते हैं चंबा की तो चंबा की झीलें जैसे खजियार झील गटासरू झील महाकाली झील चमेरा झील लामा झील ये सभी झीलें चंबा ज़िले में हैं क्वेश्चन नंबर एट कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में हैं मंडी चंबा सोलन कुल्लू तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर होगा यानी चंबा चंबा में कुछ और भी हैं वन्य जीव जैसे तुंदा वन्य जीव सेचू तुआर नाला कालाटोप खजियार तो ये सभी वन्यजीव यान चंबा जिले में हैं कुल्लू में जैसे खीर गंगा वन्यजीव एर्न इंद्रकला इंद्रकिला वन्य जीव और एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जिसे जो भी कुल्लू में है नेशनल पार्क सोलन तो सोलन की जैसे चायल मजाथल शिल्ली दाला ये सभी वन्य जीव सोलन जिले में हैं मंडी तो मंडी में जैसे बांदली नारगू शिकारी देवी वन्य जीव ये सभी मंडी में हैं क्वेश्चन नंबर नाइन शिववाड़ी मंदिर किस स्थान पर हैं गगरेट मनाली काजा मलाना तो शिववाड़ी मंदिर ये हैं गगरेट ऊना में मलाना जो कि कुल्लू काजा लोटपीति मनाली कुल्लू क्वेश्चन नंबर टेन नेहरू कुंड किस स्थान पर हैं मनाली मंडी बिलासपुर पालमपुर तो इसका सही आंसर होगा यानी मनाली क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर हैं तो इसका आंसर होगा यानी फेरन लॉस ऑप्शन ए जो कि शिमला में हैं समरील शिमला में है कुपरी शिमला में है नाहन सिरमौर में है और पेयरनाउ शिमला में है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था तो इसका सही आंसर होगा यानी फर्स्ट ऑप्शन चार अप्रैल उन्नीस सौ पाँच को क्वेश्चन नंबर थर्टीन दामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था तो इसका सही आंसर होगा यानी तेरह जुलाई उन्नीस सौ उनतालीस को क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वैद्य सूरत राम प्रकाश किस जिले से संबंधित हैं मंडी सिरमौर चंबा सोलन तो इसका आंसर होगा यानी सिरमौर तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में जय हिंद जय हिमाचल